अब अपना गंदा जूता चप्पल से कमरा कालीन गंदा करोगे। इस घर में नौकर टाइप के लोगों को जूता चप्पल पहनने का परमिशन नहीं है। निकालो अपनी ये जूता चप्पल। रुक जाओ। तुम हमसे बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। तो बिना अपॉइंटमेंट के हमारे घर में कैसे मिलने आ गए तुम? हम तुमको बोले थे ना, बिना अपॉइंटमेंट के तुम हमसे नहीं मिल सकते, तो काहे मुंह उठाकर यहां चले आए? भाई साहब, हमको पता चला कि अनमोल छठ पूजा कर रही है। बेटी पहली बार छठ कर रही है, ये जानने के बाद हमसे रहा नहीं गया, एक खातिर हम मिलने आ गए। माँ, अगर ये लोग छठ पूजा में शामिल हुए तो छठ मैया हमें माफ करे, हम छठ पूजा में शामिल नहीं होंगे, हम घर से बाहर चले जाएंगे। साथी, हम सच बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, रुको, हम बात करते हैं। नमस्ते माँ जी। देखिए, पहले जो कुछ भी हुआ ना, वो सब हम पर त्योहार समय दोहराना नहीं चाहते। कहे ना कि हमारा बेटा तुम सबसे बहुत नाराज है, इसलिए हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आप लोग पूजा में शामिल मत होइए। माँ जी, आप बुजुर्ग हैं, आप हाथ मत जोड़िए, आशीर्वाद दीजिए। हम समझ सकते हैं माँ जी, आप हमारा बस एक काम कीजिएगा कि हमारी तरफ से ये प्रसाद चढ़वा दीजिएगा। हम बचपन से लेकर आज तक छठ मैया की पूजा करते आ रहे हैं अपने बच्चों के खुशहाली के खातिर। अब मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि वो छठ पूजा कर रही है आपके परिवार के खुशहाली के खातिर। बस एक बार मिल लेते, हम यहां रुकेंगे नहीं, बस मिलके चले जाएंगे। संतोषी जी, आप ही की तो बेटी है ना, चलिए बाद में फिर कभी मिल लेंगे। मां, ये जो देकर गए है ना, उठाकर फेंक दो ये सामान। इस सामान नहीं, भगवान का प्रसाद है। अरे इंसान का नहीं तो कम से कम भगवान का तो लिहाज कर। अनमोल, ये छठ का सामान तुम्हारे मायके से आया है, तुम्हारे माई बाबूजी आए थे, रुके नहीं, हमें लगता है सीधा घाट पे आएंगे। ये लो, जो छठ पूजा करता है ना वो छठ मैया कहलाता है, इसीलिए हमारा तुम्हें प्रणाम। देखो, हम जानते हैं तुम सबके मन में उस लड़की के लिए का भाव है, लेकिन इस पावन पर्व में ये द्वेष गुस्सा ठीक नहीं है। लेकिन माँ, प्रसादी, हम उस लड़की को अपनाए नहीं है, लेकिन आज वो छठ माई है,
और हम छठ का आदर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम सब भी वही करो। लोग भी आ गए, इन्हीं की कमी थी। अरे आप खुल गए, इनका बेटी का ऋषि से शादी हुआ है, ये लोग तो आएंगे ही ना, कोई रोक सकता है का? प्रणाम, 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 प्रणाम। आइए, आपका स्वागत है। ठाकुर माँ, सब तैयारी हो गया है, आपको बुला रहे हैं, आइए। हम व्रत किए हैं और छठ पूजा करने वाली व्रती पीछे मुड़ के देख नहीं सकती। पता नहीं पीछे से कौन ऐसा कर रहा है। हे सूर्यदेव, रक्षा कीजिए, सूर्य शक्ति दीजिए। बिचारी लगता है कि बारा टूट जाएगा।
जीवन देखो जरा, अनमोल अकेले खड़ी है उधर, गहरा पानी है, छटाक बरसता है और छिटक गई तो जाओ उसके पास जाओ। घंटा सरकार काहे का घंटा, नाम इतना बड़ा और किडनैपिंग का सुरमा बने फिरते हो, बित्ता भर की लड़की को नहीं उठा पाए। बात बित्ता भर या भारी भरकम का नहीं है, काम तो हम कर ही दिए थे। आपके परिवार के तीन लोग पहुंच गए और आयन वक्त पर कप्तान पहुंचकर सब गुड़ गोबर कर दिया। परिवार वाली बात होती तो कोई बात थी, लेकिन वो कप्तान, वो कमीनापन में हम सबका बाप है, पहचानता है हम सबको, अगर देख लेता तो सब समझ जाता। अब काम भी तो सफाई से करना था ताकि लोगों का आप पर शक ना हो, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, कल सुबह अर्ग के टाइम पे घाट पर काम हो जाएगा। भरोसा कैसे करें? निवेदन कर सकते हैं कि एक मौका और दे दीजिए। उधर कल का सूरज उगेगा और उधर उस बौनी का सूरज डूबेगा। ठीक है, एक मौका देते हैं। अगर ई बेर फेल हुए ना तो दुगना पैसा देना पड़ेगा टाटा वाली दीदी को। कहे से कि हमारी टाटा वाली दीदी कुछ भी बकाया नहीं छोड़ती है। आप काहे टेंशन ले रही हैं? आपका काम हो जाएगा इस बार। काम हो जाना चाहिए। जी। अरे कहाँ गायब हो गए थे तुम लोग? गायब हो गए थे? अरे छठ का त्योहार है, अड़ोस पड़ोस में भी जाना पड़ता है। तो इतना झल्ला कह रही हो, क्या हुआ, कुछ हुआ का? डॉक्टर साहब कहाँ आए हैं? ऋषि, ये
डॉक्टर साहब को काहे लेके आए? क्या हुआ? वो पापा अनमोल के पैर में चोट लग गया है। छठ पूजा की वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए हम डॉक्टर साहब को लेके आए। चलिए डॉक्टर। अनमोल जरा इधर आना। डॉक्टर साहब यही है अनमोल, इसी का पैर में चोट लगा है, लेकिन इसने छठ पूजा का व्रत रखा है, इसीलिए पूजा रूम से बाहर नहीं निकल सकती और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति पूजा रूम के अंदर जा सकता है। ठीक है, तुम अंदर से ही अपना पैर दिखा दो। वो पीढ़ा ले आओ और उस पे बैठ जाओ। देखिए पत्थर से लगी चोट तो लग नहीं रही। लगता है कोई नुकीला कांच या कील लगा है पांव में। लेकिन ये कांच या कील पांव के साइड में कैसे लग गया? क्या तुमको कांच या कील किसी ने चुभोया है क्या? हम जानते हैं हमको कील छुपाया गया है, क्योंकि शायद कोई नहीं चाहता कि हमारी छठ मैया का व्रत पूरा हो, लेकिन हम ये व्रत पूरा करके रहेंगे और अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाने का तो सोच भी नहीं सकते, इसलिए चुपचाप रहेंगे और किसी को नहीं बताएंगे कि हमको कील छुपाया गया है। डॉक्टर साहब छठ का उपवास रखा है उसने, बोलेगी नहीं कुछ भी। देखिए अपने आप से लगी चोट तो लग नहीं रही, जरूर किसी ने कुछ बदमाशी की है। अगर रास्ते में कुछ लगता तो तलवे में लगता ना, ये इधर कैसे लग गया? इसको तत्काल इंजेक्शन देना होगा, नहीं तो टिटनेस होने का खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब वो छठ का निर्जला व्रत रखी है, इसीलिए इंजेक्शन कैसे लेगी? पानी का एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसकी तबीयत फिर? आस्था की बात है डॉक्टर साहब, वो नहीं मानेगी। ठीक है तो अभी कम से कम उसके घाव पे मलहम पट्टी तो कर दो, बाकी का कल देख लेते हैं। आइए डॉक्टर साहब। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.